नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कर्क राशि के विषय में बातचीत करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यदि हम शनि से विचार करें तो इस वर्ष शनि पारिवारिक कलह देगा और कोई रोग भी हो सकता है। सम्मान में वृद्धि होगी अर्थात सम्मान बढ़ेगा। 4 अगस्त के बाद शनि आर्थिक संकट दे सकता है और 15 नवम्बर के बाद पेट में रोग होने की संभावना है। राहु केतु से यदि हम विचार करें तो कर्क राशि वालों को शीघ्र आने के योग हैं और अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। 3 सितंबर के बाद नौकरी में लाभ मिलेगा, व्यापार में भी लाभ होगा, परंतु परिवार में समस्याएं बढ़ सकती हैं। कर्क राशि वालों के लिए यदि हम गुरु से विचार करें तो परिवार में सुख व समृद्धि बढ़ेंगी। 15 जुलाई के बाद शारीरिक कष्ट बढ़ सकते हैं। 13 नवंबर के बाद दाम्पत्य में यानी कि पति पत्नी के बीच में रुकावटें आ सकती हैं। संतान की चिंता होगी। जुलाई के महीने में जांघ में पीड़ा हो सकती है, शारीरिक कष्ट बढ़ सकते हैं, सिर में दर्द होगा और अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, परंतु धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं। अगस्त के महीने में कर्क राशि वालों को जांघ में पीड़ा होगी, अपनों से भय, सम्मान की कमी, खर्चे कम होंगे। सितंबर के महीने में कर्क राशि वालों को जांघ में पीड़ा हो सकती है, विरोधी परास्त होंगे, आर्थिक लाभ बढ़ेगा और व्यापार में भी लाभ होगा। अक्टूबर के महीने में कर्क राशि वालों को जांघ में पीड़ा हो सकती है, सम्मान में कमी, माता से सुख मिलेगा और धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं। नवंबर के महीने में कर्क राशि वालों को जांघ में पीड़ा होगी, मन अशांत रहेगा, माता से सुख मिलेगा, धन प्राप्ति होगी और परिवार में भी सुख बढ़ेगा। दिसंबर के महीने में कर्क राशि वालों को जांघ में पीड़ा हो सकती है, शत्रु परास्त होंगे, निर्णय सोच समझ करके लें, संतान से सुख मिलेगा। नमस्कार।